फिर उन्होंने बिल्कुल मना कर दी, गोली देनी है दो तीन, उनसे क्या होता है इनके घर टूटा हुआ है उसमें हम क्या कर सकते हैं, मजदूर आदमी 70,000 रुपए मांग रहे हैं। आज जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था के क्या ही खस्ता हाल है। लोग परेशान हो तो समझ में आता है, लेकिन इस कदर लाचार है ये आप सोच भी नहीं सकते। दरअसल उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से एक ऐसा मामला सामने आया जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। आपको बता दें कि बुलंदशहर के खुर्जा सूरजमल जटिया हॉस्पिटल में दर्द से तड़पता मरीज दर दर की ठोकरें खाता रहा, क्योंकि उसकी कमर की हड्डी टूट गई थी और जब उसके परिजन उसे सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे तो हड्डी का कोई डॉक्टर तक नहीं मिला। अरे डॉक्टर छोड़िए, इन्हें तो एम्बुलेंस तक नसीब नहीं हुई। अस्पताल ने तो बिना सोचे समझे मुंह फाड़ कर बोल दिया कि अभी जाओ, अभी हड्डी के डॉक्टर नहीं है, 3 दिन बाद मिलेंगे। अब आप ही बताइए कि अगर किसी की कमर की हड्डी टूटी है, वो असहनीय दर्द से कराह रहा है, तो क्या 3 दिन इंतजार करेगा? उन्होंने मना कर दी और डॉक्टर भी नहीं है यहाँ 3 दिन के लिए, पता नहीं सर बाहर गए हुए हैं वो। हाँ जी, और फिर उन्होंने बिल्कुल मना कर दी, गोली दे दी है दो तीन, उनसे क्या होता है इनके घर टूटा हुआ है उसमें हम क्या कर सकते हैं, मजदूर आदमी 70,000 रुपए मांग रहे हैं प्राइवेट में। वही जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो हड़कंप मच गया। सुनिए इस मामले को लेकर जीएम ने क्या कुछ कहा। एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें सीएससी खुर्जा में एक मरीज को ठेले पर लेटा हुआ दिखाया गया है कि उसको अस्पताल में अटेंड नहीं किया गया। कल वो उनके अटेंडेंट इमरजेंसी में गए थे, मरीज लेकर के नहीं गए थे, डॉक्टर ने अवगत कराया कि हड्डी के डॉक्टर 3 दिन बाद आएंगे। और ये बाहर अपना सड़क पर मरीज लिटाए हुए थे, रात में ही उपजिलाधिकारी खुर्जा को मौके पर भेजा गया था। उपजिलाधिकारी खुर्जा ने उनको तत्काल अलीगढ़ रिफर करा दिया है, उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराया जा रहा है और इस बात की जांच की जा रही है कि हॉस्पिटल में ये लापरवाही किसके द्वारा की गई है और जो भी दोषी इसमें पाया जाएगा चाहे वो डॉक्टर हो या कोई और कर्मचारी हो उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सोचिए जरा कि ठेले पर लाते हुए जब घर वाले किसी तरह से मरीज को लेकर प्राइवेट अस्पताल पहुंचते हैं कि उन्हें आराम मिल जाए, लेकिन कहां से लाए गरीब आदमी 70,000 रुपए भरने के लिए। ऐसे में वो चुन लेता है दर्द, क्योंकि उसके पास कोई और चारा नहीं होता इससे पार पाने का। एक बार, बस एक बार ये सोच कर देखिए कि अगर ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल नहीं होता तो क्या मिल पाता इस गरीब शख्स को समय पर इलाज। अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर रखें। बुलंदशहर से मुकुल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।